तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है पर्पस ऑफ डेटाबेस अप्रोच, जिसमें हम लोग फाइल बेस्ड अप्रोच और जो हमारा अगला अप्रोच है उस अप्रोच को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइल बेस्ड अप्रोच क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच टू इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हैज फॉर ईच एप्लीकेशन अ सेपरेट मास्टर फाइल एंड इट्स ओन सेट ऑफ पर्सनल फाइल। यानी जो ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है उसके पास हर एक एप्लीकेशन के पास एक सेपरेट मास्टर फाइल होता है और उसका खुद का सेट ऑफ पर्सनल फाइल होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोबोल लैंग्वेज सपोर्टेड दिस फाइल ओरिएंटेड एप्लीकेशन, यानी जो कोबोल लैंग्वेज है वो सपोर्ट करता है इन फाइल ओरिएंटेड एप्लीकेशन को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट वॉज यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सच एज फॉर पेरोल इन्वेंट्री एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी ये जो इनका यूज होता था वो डेवलपिंग एप्लीकेशन किसके लिए, जैसे पेरोल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, इन सारी चीजों के लिए यूज होता था। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाउएवर इन जनरल एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस दीज एप्लीकेशंस आल्सो, दिस रिक्वायर्स शेयरिंग ऑफ डेटा विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत होती है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनके अप्रोक्स, और ये जरूरत होती है शेयर करने के लिए डेटा को, वो काफी डिफिकल्ट होता है इंप्लीमेंट करना उसको एक ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एडिशन अ मेजर लिमिटेशन ऑफ फाइल ओरिएंटेड अप्रोच इज दैट द प्रोग्राम आर डिपेंडेंट ऑन द फाइल एंड द फाइल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोग्राम। यानी इन एडिशन यानी एडिशनल फीचर्स में जो मेजर लिमिटेशन होता है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का वो ये होता है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फाइल पे, और जो फाइल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्रोग्राम पे। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है फॉर द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। पहला आपका है डेटा रिडंडेंसी, दूसरा आपका डेटा आइसोलेशन, तीसरा है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, चौथा आपका है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और पांचवा आपका कंकरेंट। और सारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो लिमिटेड पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है, लिख दिया गया है सारी चीजें, बहुत ही आसान टर्म में हमने सारी चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, लिखा है, तो आप उनको देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला जो अप्रोच है हमारा वो है फंडामेंटल कंसेप्ट, यानी डेटाबेस अप्रोच का फंडामेंटल कंसेप्ट है हमारा। तो इसमें कह रहा है कि द डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा then is accessed by various users, okay? और यहाँ पे कुछ डेटाबेस के फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, जैसे आपका परहैप्स हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स हो गया, रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे जो डेटाबेस है वो काफी लॉजिकली कोहेरेंट होता है और इंटरनली कंसिस्टेंट होता है, और भी जो अलग अलग पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके,